नमस्कार फीजी, समाचार दर्शन के साथ रुतिका प्रताप। विश्व भर में जबकि फीजियंस फीजी के हिस्टोरिक गोल्ड मेडल जीत की खुशियां मना रहे हैं, वहीं एक रिजोर्ट के स्टाफ बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। फीजी हाइडवेयर रिजोर्ट एंड स्पा अपने दो स्टाफ चासा वेरेमालुआ तथा अपिसाई दोमोलाले के वापस आने की राह देख रहे हैं। पूरे रिजोर्ट को फीजी फ्लैग से सजाया गया है और एक स्पेशल सेलिब्रेशन की आयोजना की जा रही है। रिजोर्ट में जो गेस्ट ठहरे हैं वे भी इस फंक्शन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। उन्हें ये इंतजार करना पड़ेगा कि कब दोनों खिलाड़ी फ्री होंगे ताकि उन्हें होस्ट किया जा सके। फिलहाल फीजी सेवन स्पोर्ट्स सेमिकुनतानी के कोरोवासियों ने उनके लिए नव्यांगो सिंगतोक में एक बड़े फीस्ट की आयोजना की है और उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। गोल्ड मेडल जीत के बाद से उनके कोरोवासियों ने अपने सेलिब्रेशन को बंद नहीं किया है। पूरा कोरो उनके आने की राह देख रहा है और सेलिब्रेशन के लिए कुछ न कुछ योगदान दिया है। इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि ऑस्ट्रेलिया में सीजनल वर्क के लिए नौकरियां नहीं बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर सेमी कोरेला विसाओ ने बताया कि इस सप्ताह 200 नौकरियां एक अन्य पैसिफिक आइलैंड कंट्री यानी वनुआतू को दी गई। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत दूर नहीं है और किसान भी एक दूसरे को जानते हैं और फिजी के कर्मचारियों को लेकर अच्छी खबर नहीं है। मिनिस्टर ने बताया कि वे इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये खबर छापे जा रहे थे जिसमें कुछ फिजियंस ने दावा किया था कि उन्हें $16 प्रति सप्ताह वेतन दिया जा रहा है। पिछले साल ऑस्ट्रेलियन सीजनल वर्कर्स प्रोग्राम के तहत 133 फीचर्स काम कर रहे थे, लेकिन इस साल ये संख्या केवल 26 है। एजुकेशन मिनिस्ट्री आशावादी है कि देश भर में साइक्लोन से क्षतिग्रस्त स्कूल्स पर मरम्मत कार्य अगले मार्च तक समाप्त कर लिया जाएगा। मिनिस्टर डॉ महेंद्र रेड्डी ने यह बयान कल रामे बेली मेमोरियल प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करते वक्त दिया। डॉ रेड्डी ने बताया कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती सीमित संख्या में उपलब्ध क्वालिफाइड इंजीनियर्स को देश भर में काम करने के लिए डिप्लॉय करना है। फरवरी में आए साइक्लोन से लगभग 400 स्कूल्स को क्षति हुई थी। मिनिस्टर ने कहा कि ये एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन वे इसे हासिल कर सकते हैं क्योंकि नए बजट में इसके लिए $200 मिलियन दिया गया है। और खेलकूद में फिजी सेवंस कैप्टन ओसिए कोलिनिसाओ अपने भविष्य को लेकर अभी कुछ खास नहीं बोल रहे हैं। कोलिनिसाओ ने बताया कि वे अभी केवल कड़ी मेहनत को एंजॉय करना चाहते हैं क्योंकि कड़ी मेहनत ने रंग लाई है। ओसिए कोलिनिसाओ, जिन्हें ओस्का के नाम से भी जाना जाता है, वे पहले फिजियन कैप्टन हैं जिन्होंने फिजी में रग्बी को लेकर इतिहास रचा है। कोलिनिसाओ ने बताया कि वे सही समय आने पर अपने फ्यूचर प्लान्स को आम करेंगे। वे आज इपनेमा बीच पर लोकल्स के साथ समय बिता रहे थे। वे हर एक पल को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि कैप्टन के हैसियत से उनकी टीम ने 2 सेवंस वर्ल्ड सीरीज टाइटल और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। यह थे आज के मुख्य समाचार। याद रहे समाचारों के लिए आप रेडियो फिजी टी और मिर्ची एफएम को सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। अच्छा प्रोग्राम में हमारे कोरबंगा के सभी लोग रेडियो फिजी ज्यादा सुनते हैं। रेडियो फिजी टू देश के धड़कन हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। प्रणाम फिजी, मैं नवनीता लकेना में रहती हूँ। पूरी दुनिया भर की खबर मैं रेडियो फिजी टू से सुनती हूँ। मैं देवेंद्र विजय वनिबाऊ के रहने वाला हूँ। रेडियो फिजी टू देश की धड़कन मैं हर वक्त सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है। रेडियो फिजी टू देश की धड़कन।